कि जब ऊपर क्लास होता है तो फिर उसके पश्चात आप प्रसाद लेने के लिए नीचे उतरते हैं तो 10 मिनट लगता है, तो वो 10 मिनट अभी बचेगा, इसलिए 10 मिनट आप ज्यादा क्लास हो। सो आज नेक्स्ट चेक में बोल रहे हैं, आज कौन सा श्लोक है? हाँ, 14 13 कि 12 दीपावली का दिन था, ऐसा कुछ तो था। सो लेट्स स्टार्ट विथ 12, 12 और 13 करते हैं एंड 14 को भी प्रयास करेंगे, क्योंकि आज प्रसाद हॉल में है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्षिप्रम हिमांशे लोके सिद्धिर्भवति कर्तव्या। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तात्पर्य श्लोक द्वारा श्लोक प्रकार इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणाएं हैं और विद्वत्ता का कर्म करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान रखते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है किंतु अंश अनेक है। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम, ईश्वर एक है। ईश्वर परम कृष्ण, श्री कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त है। ये देवता जीवात्माएं हैं जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। वे कभी परमेश्वर नारायण विष्णु या श्री कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवता को अस्तित्व पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा श्री भगवान की पूजा की जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के देवताओं की पूजा अपने अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पर इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवताओं के लिए आया है, लेकिन नारायण विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विषय वादियों के अग्रणी शिवपाल शंकराचार्य तक मानते हैं कि श्री नारायण या श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं। उन्हें फल मिलता है, होता भी नहीं, क्योंकि वे यह भी जानते हैं कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना रूप में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी उच्च देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इस संसार के देवता तथा अनेक पूजक इस संसार के संहार के साथ ही नष्ट हो जाएंगे। देवताओं के अवतार भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार तथा इसके निवासी जिनमें देवता तथा उनके पूजक भी सम्मिलित है विराट सागर में गुरुगुरु के समान है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं तथा संपत्ति परिवार तथा भूमि की सामग्री के पीछे पागल रहते हैं। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो वह सोचता है कि उसने महान मर्यादा प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को शास्त्रार्थ प्रणाम करते हैं जिससे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाए
ऐसे कोई व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी द्वार के लिए कृष्ण भावनामृत में अभिरुचि नहीं दिखाते, वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दिवाते रहते हैं और थोड़ा सी इंद्रिय सुख के लिए शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं जिन्हें देवता कहते हैं। प्रकृति के तीनों कर्मों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय और रहता हूँ। तात्पर्य श्री गुरुदेव जी के द्वारा श्री गुरुदेव की जय। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और फल के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः यही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा है जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का वर्ग आता है जो सत्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाता है। द्वितीय वर्ग प्रकाशक प्रशासक वर्ग का है जिन्हें रजोगुण होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वाणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान श्री कृष्ण इनमें से किसी विभाग में नहीं आते क्योंकि वे वर्ग जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज की किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जुन प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18 अध्याय में हुआ है किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम शक्ति के विषय में ज्ञान होना चाहिए किंतु उनमें से अधिकांश भगवान श्री कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लाकर भगवान कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है वही कृष्ण भावना भावित होता है अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम नरसिंह वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है और जिस तरह श्री कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे है उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय। ओम ज्ञानदिविरंगस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपादकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सारभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणवरिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण कर्मासिन्धुं दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते रक्तकाञ्चन कौराङ्गी शिराये वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिद्धुर्भ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान की जय। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त यदेवता क्षित्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवता की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सो श्री भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा था? आप ऊपर बैठेंगे, सब चेयर पे बैठेंगे। श्री भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, जो मुझे जिस भाव में स्वीकार करते हैं, मैं भी उसे उसी भाव में स्वीकार करता हूं। ऐसा कहा था ना भगवान ने, जो मुझे जिस भाव में स्वीकार करता है, मैं उसे उसी भाव में स्वीकार करता हूं। सो ऐसा होने पर भी इतनी क्लियर बात भगवान ने बता दी है कि जैसा आप भाव रखोगे, उसी प्रकार से मैं आपके साथ संबंध रखूंगा। क्लियर, सीधी सादी हिंदी भाषा में भगवान ने बोला है। ऐसा होने पर भी संसार में करोड़ों करोड़ों लोग भगवान का आश्रय क्यों नहीं लेते? इतनी सिंपल बात है, कोई कठिन बात है? जैसा भाव आप, जैसा मेरे साथ आप संबंध रखोगे, मैं वैसा आपके साथ संबंध रखूंगा। सिंपल बात भगवान ने कही है, परंतु फिर भी संसार में मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे डोंट अंडरस्टैंड। भगवान जी इसी बात को प्राप्त करने में समझा रहे हैं कि लोग नहीं समझ सकते इस बात को, भगवान का आश्रय नहीं लेते। इतनी सिंपल बात भगवान ने कही है, परंतु फिर भी सिंपलिसिटी इज वेरी डिफिकल्ट इन कलयुग, है ना? सबसे डिफिकल्ट यदि संसार में कलयुग में कुछ बात कोई है तो वो क्या है? सिंपलिसिटी। सो भगवान इसलिए ये श्लोक कह रहे हैं। इस श्लोक में ये बात बताई गई है कि क्यों लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते, क्यों नहीं लेते हैं। तो पहली पंक्ति, कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता। यजन्त अर्थात पूजा करते हैं, यह अर्थात ये लोग किसकी? इन देवताओं की। सो अर्थात कर्मों से जो लोग सिद्धि चाहते हैं, अर्थात जो लोग कर्मों में लिप्त रहना चाहते हैं और उन कर्मों का रिजल्ट फेवरेबल ही चाहिए, सक्सेसफुल ही चाहिए, ऐसा जो चाहते हैं, वे लोग क्या कहते हैं? यजन्त इह देवता, वो देवताओं का पूजन करते हैं। और देवताओं का पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि एकदम तुरंत फास्ट ट्रैक रिपोर्ट रिजल्ट चाहिए, तुरंत फल चाहिए। और इसलिए भगवान की इस बात को समझते नहीं, किस बात को? हाँ, जो भाव आप रखोगे वो भाव मैं भी आपके लिए रखूंगा। इस सिंपल बात को समझकर भगवान का आश्रय लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे अपने कर्मों का फल तुरंत चाहिए, इमीडिएट, पेशेंस नहीं है, नो टाइम, समय कहाँ है, खाने के लिए समय नहीं है। तो भगवान का भाव रखो, भगवान का पूजा करो, भगवान का नाम लो, समय नहीं है। तो इसलिए वो लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, पिछले श्लोक में भगवान ने शरणागत भक्तों की बात की थी, ऐसे भक्त जो शरणागत होते हैं अर्थात जो भगवान के प्रति भाव रखते हैं। इस श्लोक में फिर वही बात कह रहे हैं, इस श्लोक में उन लोगों की बात कर रहे हैं जो शरणागत नहीं है। शरणागत लोग भाव रखते हैं भगवान के प्रति, जो शरणागत लोग नहीं है वो क्या रखते हैं? वो यहां पे कहा गया कांक्षतः कर्मणां सिद्धि। कांक्षतः अर्थात कांक्षा, आकांक्षा, इच्छा रखते हैं किसकी? कर्मणः, कर्मों की सिद्धि। इस श्लोक में उनकी बात हो रही है जो समर्पित नहीं है, जो सरेंडर नहीं है,
जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, ऐसे लोगों की इस श्लोक में बात हो रही है। तो फिर वो है कौन? तो वो चाहते हैं कर्म करो, तुरंत मुझे उसका फल मिल जाए। सो संसार में ऐसे ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, गोपाल जी तात्पर्य में कह रहे हैं, संसार में ऐसे ही ज्यादातर लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते। जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जानते हैं, चारों दिशाओं में सब जानते हैं कृष्ण को। छोटा सा बच्चे को भी पूछेंगे कृष्ण कौन है तो क्या बोलेगा? भगवान। सब जानते हैं परंतु कृष्ण के साथ प्रेम नहीं करते। रूपा जी तात्पर्य में इस बात को समझाते हैं, कृष्ण के साथ प्रेम नहीं करते हैं। सो जब कोई कृष्ण के साथ प्रेम नहीं करेगा तो वो किसके साथ प्रेम करेगा? प्रेम तो करेगा, तो स्वभाव है प्रेम करना, वो करेगा। किससे करेगा? वस्तुओं से करेगा, अपने भौतिक कार्यों से करेगा, और भौतिक कार्यों की सिद्धि कौन देता है? देवी देवता। तो इसलिए क्या करेगा? देवी देवताओं का पूजन करेगा। किस लिए? क्योंकि उसको कर्मों का, कर्मों को सिद्ध करना है। तो इसलिए उसके पास प्रेम भाव नहीं है, वो काम भाव, कर्मों की सिद्धि चाहने वाला भाव, अर्थात काम भाव। प्रेम से सिद्धि चाहने वाला भाव अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होना, अर्थात भगवत प्रेम भाव, भगवत प्रेम भाव। सो इस श्लोक में ये कारण भगवान देते हैं, प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर प्रकार से इस श्लोक को समझाते हैं। सो जब यह व्यक्ति इस प्रकार से काम भाव रखता है, अर्थात कर्मों को सिद्ध करने का भाव रखता है, तो वो देवी देवताओं के पास जाता है, जैसा कोई व्यक्ति दुकानदार के पास जाता है, कोई व्यक्ति जैसा दुकानदार के पास जाता है, वैसा ही ये व्यक्ति देवी देवताओं के पास जाता है। दुकानदार के पास जाकर क्या करता है? पैसा देता है और वस्तु लेता है, वैसे देवी देवताओं के पास जाकर करता है, कुछ अनुष्ठान करता है, कुछ कुछ संकल्प करता है, और फिर बोलता है दो, ये किया अब आप दो, है ना। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को गिव एंड टेक रिलेशनशिप कहते हैं। क्या कहते हैं? गिव एंड टेक, लेन देन वाला संबंध, लेन देन वाला संबंध कहते हैं। तो लेन देन वाले संबंध में रस नहीं रहता है, होता है क्या? इसलिए ये जो लोग होते हैं, जो इस प्रकार से कर्मों की सिद्धि के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, उनका जीवन नीरस रहता है। कैसा रहता है? निरस, क्योंकि गिवन देन में रस नहीं होता है, लेन देन में प्रेम रस नहीं होता है, सद्भावना नहीं होती है, सेवा भाव नहीं होता है, प्रेम भाव नहीं होता है, कंसर्न नहीं होता है, केयर नहीं होता है, ओनली क्या होता है? यूज एंड थ्रो। देवी देवताओं के साथ गिवन टेक करो, मिल गया कि भूल जाओ, देवी देवताओं ने कुछ दे दिया कि भूल जाओ, है ना। जैसे हमने पूर्व में कहा था कि मनुष्य जीवन है किस लिए, मनुष्य जन्म है किस लिए, मनुष्य जन्म किस लिए है कि हमारे पास भगवान ने हमारे कर्म धर्म संयोग से जो कुछ भी हमको प्रदान किया है, जितने भी रिसोर्सेस है, वो सारे रिसोर्सेस को भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए लगाओ, मनुष्य का प्रेम प्राप्त करने के लिए लगाओ, मनुष्य की सेवा करने के लिए लगाओ, मनुष्य को जोड़ने के लिए लगाओ। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस है, उन सारे रिसोर्सेस को मनुष्यों को प्राप्त करने के लिए लगाओ, और इस प्रकार से परमार्थ करते हुए, भगवत भावना रखते हुए कृष्ण प्रेम को प्राप्त करो। ये करने के लिए जितने भी रिसोर्सेस है, सब अपने काम पे लगाओ, सबका उपयोग करो, सबको एक्सप्लोर करो, है ना।
परंतु एग्जैक्टली उल्टा होता है। क्या होता है? मनुष्यों के साथ संबंध दृढ़ करने के लिए सारे रिसोर्सेस और सारे वस्तुओं का उपयोग करो, ऐसा शास्त्र कहता है। और हो क्या रहा है? वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए सारे मनुष्यों का उपयोग हम करते हैं, जितने भी पहचान के हैं, जितने भी रिलेशन में है, जो भी है भक्त है भक्त, जो भी कनेक्शन में है, वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम सारे टाइप के मनुष्यों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो दिस इज नॉट द वे। वो अभी तो हम इस श्लोक में से तो हमको ये पता चल रहा है कि हम देवी देवताओं को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमारे कांक्षित कर्मणा, कांक्षिता कर्मणा, हमारे कर्मों की जो हमारी इच्छाएं है उसको पूर्ण करने के लिए हम तो अब देवी देवताओं का भी उपयोग करने लगे। इसलिए हमारा जो संबंध है वो क्या हो रहा है? वो नीरस हो रहा है। क्या हो रहा है? नीरस हो रहा है। सो ग्राहक और दुकानदार का जो उपमा दी गई, गोपाल जी ने भी इस बात को कहा है, ग्राहक का काम क्या है? पैसे देना, और दुकानदार का काम क्या है? सामान देना, बस। दोनों को एक दूसरे से कोई कंसर्न नहीं होता है कि जो वस्तु ये ग्राहक मांग रहा है, वस्तुतः वास्तविकता इस ग्राहक को ये वस्तु का कोई उपयोग है क्या, ये वस्तु अच्छी है क्या उसके लिए, दुकानदार नहीं सोचेगा, वैसे ही देवी देवता नहीं सोचते हैं। सो देवी देवताओं का पूजन करने के पहले ये विचार करना चाहिए कि उस देवता की पूजा में मुझे क्या क्या करना होगा और वो देवता मुझे क्या देगा। यही होता है ना, जैसे उदाहरण है कि कई लोग ऐसी पूजा करते हैं, किसी का समय बहुत खराब चल रहा है, क्या कहते हैं, सारी साथी लग गई है, शनि की सारी साथी लग गई है, शनि की सारी साथी लग गई है और आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, कोई फायदा होगा क्या? हाँ, तो ये भी तो पहले पता करना होगा कि 33 करोड़ है, कितने हैं? 33 कोटि है, किसकी पूजा करनी होगी, यही पता करने के लिए 10-5 साल चले जाएंगे। हाँ, और फिर पता करने के बाद ये पता करना होगा कि ठीक है भैया, शनि महाराज की पूजा करनी है तो अब इनकी पूजा में मुझे इनको देना क्या होगा और बदले में ये मुझे क्या देंगे, ये मुझे पता होना चाहिए। बड़ा समस्या है, क्योंकि शनि महाराज या कोई भी देवता वो आप जो मांगेंगे वो देंगे, वो उनके मन से आपके लिए क्या प्रेरणा है वो नहीं देंगे, आप मांगो दे देंगे। तो अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको वास्तव में किस बात से कल्याण हमारा होना है, कौन सी बात से हमारा लाभ होना है कि नहीं। तो ये भी देवी देवताओं का पूजन जो करते हैं उनको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा रीडिंग, बहुत सारा अध्ययन, बहुत सारी जानकारी रखनी होगी। और उसके बाद भी रिस्क है, क्योंकि जो मैंने मांगा वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या करेंगे, है ना। सो इसलिए भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में, भगवान को समर्पित होने में यह लाभ होता है कि हमको टेंशन नहीं है, भगवान की भक्ति करो, भगवान को समर्पित हो जाओ। वो भगवान का डिपार्टमेंट है कि मुझे क्या सुटेबल है, मेरे लिए क्या अच्छा है। जैसे पिता, कोई बालक अपने पिता के पास जाता है तो पिता को यदि वो कहे कि पिताश्री पिताश्री मुझे है ना सिगरेट पीना है, तो वो देंगे क्या पैसे उसको? नहीं देंगे। दुकानदार बोलेगा अच्छा ठीक है पैसा दो, सिगरेट। तो भगवान कहेंगे इसको ये मुझे नहीं देना है क्योंकि ये इसके लिए कल्याणकारी नहीं है। तो इस प्रकार से हमको ये भगवान और देवताओं का अंतर समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये अंतर निश्चित है और ये भगवान स्वयं कृष्ण बता रहे हैं। भगवद गीता में कई बार इस विषय पे चर्चा होगी। सो जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध हैं, वे ही लोग भिन्न प्रकार के भोगों के द्वारा मोहित होते हैं, और जो भगवान की शक्ति, भगवान के अंतरंगा शक्ति से मोहित है वो भक्ति करेंगे, जो बहिरंगा शक्ति से मोहित है वो इस प्रकार से
कांक्षतः कर्माणि सिद्धि, कर्म की सिद्धि की कांक्षा इच्छा रखते हैं। दूसरी पंक्ति क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर गर्भवती कर्मजा, इस मनुष्य जीवन में कर्मों से उत्पन्न सिद्धि शीघ्र मिलती है। अब यह बात ध्यान में रखिए, कर्मों से सिद्धि मिलती है अर्थात फल जरूर मिल जाता है इस मनुष्य जीवन में। कर्म करो फल मिल जाएगा, जैसे जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये किसका ज्ञान? गीता का ज्ञान। सो डेफिनेटली फल मिलेगा, कर्म करो फल मिलेगा, सिद्धि मिल जाएगी। आपने कुछ किया अनुष्ठान, सिद्धि मिल जाएगी, शीघ्र भी मिल जाएगी। परंतु जितने शीघ्र मिलेगी उतने शीघ्र नष्ट भी हो जाएगी। सो इसलिए ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। जैसे हमने उदाहरण पिछले समय दिया था, किसका उदाहरण दिया था? भस्मासुर, भस्मासुर का उदाहरण याद है? उसने क्या किया था? अरे बहुत अनुष्ठान किए और सिद्धि प्राप्त की, किया ना, शिव जी को प्रसन्न करके सिद्धि प्राप्त की, बहुत अनुष्ठान किया, अनुष्ठान प्राप्त करके सिद्धि प्राप्त, उन्होंने अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की। और क्या सिद्धि प्राप्त की? जिसके सर पे हाथ रखेगा भस्म हो जाएगा। शिव जी से वरदान प्राप्त किया तो उसको शिव जी मिल गए। बोले पहला एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करता हूं, आप हमें सिद्धि दिया है, पहला एक्सपेरिमेंट आदमी के सर पे हाथ रखता हूं, तो फिर क्या उसका परिणाम वो आप सब जानते हैं। जो सिद्धि प्राप्त हुई वो सिद्धि के कारण ही उसकी मृत्यु होगी, वो बस हो गया, समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हृदय में प्रेम भाव नहीं था, हृदय में काम भाव था। कितने भी प्रकार के अनुष्ठान करिए, कितने भी देवी देवताओं को प्रसन्न करिए, हजारों वर्ष तक करिए, युगों युगों तक करिए, परंतु उससे हृदय शुद्ध नहीं होता। हमारे पास उदाहरण है, हिरण्यकश्यपु ने कितनी तपस्या की, हृदय शुद्ध हुआ? नहीं हुआ। रावण ने कितनी तपस्या की, हृदय शुद्ध हुआ? नहीं हुआ। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की, शुरुआत में हृदय शुद्ध हो गया, नहीं चाहिए बोले मुझे भगवान चाहिए। सो भगवान की भक्ति में और देवी देवताओं की भक्ति में ये अंतर है कि भगवान की भक्ति जब हम करते हैं तो हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होते जाता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाज निर्वाह, है ना, चित्त दर्पण जैसा चित्त जो है हमारा शुद्ध होते जाता है, साफ होते जाता है, उसकी ऊपर की धूलि कण नष्ट होते जाता है, है ना। हमारा चित्त, हमारी चेतना, हमारे चेतना में हमारा स्वरूप दिखता है, हमारे जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस इज लाइक अ मिरर, इट्स लाइक अ मिरर। और मिरर में हमको क्या दिखता है, दर्पण में क्या दिखता है? हम ही दिखते हैं ना। परंतु यदि दर्पण स्वच्छ है, कौन सा दर्पण? चेतना रूपी दर्पण, चेतना रूपी दर्पण, कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना यदि शुद्ध है तो चेतना रूपी दर्पण में जब हम अपने आप को देखेंगे तो कैसे दिखेंगे? यदि हमारी चेतना शुद्ध है तो उस शुद्ध चेतना रूपी दर्पण में जब हमको अपना दर्शन होगा तो कैसा दर्शन होगा? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, कृष्ण के संबंध में दर्शन होगा, माया के संबंध में दर्शन नहीं होगा, कृष्ण के संबंध में दर्शन होगा। कृष्ण के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, भक्ति से हम ओतप्रोत हो जाएंगे, भर जाएंगे, और उसी को कहते हैं स्वरूप सिद्धि। What is the difference between कर्मणा सिद्धि एंड स्वरूप सिद्धि? इस श्लोक में कहा कर्मणा सिद्धि। कर्मणा सिद्धि अर्थात क्या? कर्म करते हुए फल की प्राप्ति करो, कर्म को सिद्ध करो और फल की प्राप्ति करो, भौतिक फलों की प्राप्ति करो, भौतिक फल प्राप्त करो, भौतिकता में लिप्त रहो।
ये हुई कर्मणा सिद्धि, कर्म से सिद्धि प्राप्त हुई। स्वरूप सिद्धि क्या है? स्वरूप सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? हाँ, चेतना को शुद्ध करके, वह कर्म करके कर्मणा सिद्धि प्राप्त होती है। और यहाँ पे चेतना को, हमारे कॉन्शियसनेस को शुद्ध करने से हमको स्वरूप सिद्धि, स्वरूप अर्थात अपना स्वयं का रूप, वास्तव में अपना स्वरूप क्या है। हम कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, ये कहते हैं उसका दर्शन, उसका साक्षात्कार वो कब होगा? वो कब होगा? जब चेतना शुद्ध होगी। और वही चेतना भक्ति मार्ग से शुद्ध होती है, भगवान के प्रति समर्पित भाव रखने से होती है, हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जप करने से होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So, ये जो स्वरूप सिद्धि है, ये जो शुद्ध चेतना की बात है, ये जो भगवान की भक्ति है, ये भगवान की भक्ति से जो हमको फल मिलता है, जो सिद्धि प्राप्त होती है भगवान की भक्ति करने से। कई बार कहा गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध भाव से रोज 64 माला जप करता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, जो उसके वाणी से, जो उसके मुख से निकलेगा वो सिद्ध हो जाएगा। 64 राउंड जब, 64 माला जब डेली शुद्ध नाम जब जो करेगा, और फिर वो जो सिद्धि प्राप्त होगी भक्ति मार्ग के ऊपर चलते हुए, जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि न केवल इसी जन्म में हमारे साथ रहती है, वो सिद्धि जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहती है। भक्ति से समर्पित भाव से हृदय शुद्ध हो करके शुद्ध चेतना को जब हम प्राप्त करते हैं और भगवान को समर्पित हो जाते हैं, और उसमें जब हमारा स्वरूप सिद्धि का आपको दर्शन हो जाता है, तो वो जो फल है वो हमको कब तक फल देते रहता है, कब तक हमारे साथ रहता है? जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहता है। दिस इज द बिग डिफरेंस, है कि नहीं, है कि नहीं? अंतर बहुत बड़ा अंतर है। सो भगवान श्री कृष्ण का वरदान हमारे साथ नित्य रहता है। देखिए जैसे ध्रुव महाराज, आज भी ध्रुव महाराज को भगवान की कृपा का फल मिल रहा है कि नहीं?